80% से ज़्यादा स्टूडेंट्स क्लासरूम लेक्चर्स में फोकस नहीं कर पाते क्योंकि एक सिंगल टीचर 50-60 स्टूडेंट्स को 100% अटेंशन नहीं दे पाती। अब आप सोचेंगे इसका सोल्यूशन क्या है, सो लेट मी इंट्रोड्यूस वन और वन टीचिंग एक्सपीरियंस फ्रॉम वसीम सर ट्यूटोरियल्स, जहाँ पर हर एक स्टूडेंट को एक डेडिकेटेड टीचर प्रोवाइड किया जाएगा जो उन्हें उनके स्टडी पेस के हिसाब से गाइडेंस और अटेंशन देंगे। हर एक स्टूडेंट का कस्टमाइज तरीके से टेस्ट सीरीज डिज़ाइन किया जाएगा। अगर आपको भी इसी तरीके का स्टडी एनवायरनमेंट चाहिए तो आज ही हमें कॉन्टैक्ट करें दिए गए नंबर पर। प्रेमिका को कार से कुचलने वाला भाजपा युवा मोर्चा अध्यक्ष अश्वजीत गायकवाड़ साथियों समेत गिरफ्तार और जमानत पर रिहा, क्या बोली प्रिया सिंह सुनिए और अब क्या करेगी ठाणे पुलिस द्वारा बनाई गई SID। रफीक कामदार, हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। बेहद विवादों और चर्चा में रहने वाला छाने का एक वारदात वाला मामला, जिसमें सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर प्रिया सिंह जो महिलाओं का सलून भी चलाती है और प्रेमी जो कि भाजपा युवा मोर्चा का अध्यक्ष है और MSRDC के जॉइंट डायरेक्टर का बेटा, अनिल गायकवाड़ का बेटा अश्वजीत गायकवाड़, इस पर प्रिया सिंह ने 14 दिसंबर को उस पर मारपीट करने का और कार से कुचलने का आरोप लगाया था। FIR पुलिस ने दर्ज की थी, कासारवड़ौली पुलिस ने बेहद हल्की धाराओं में, और मीडिया में यह मामला उछलने के बाद, चारों तरफ से दबाव पड़ने के बाद, महिला आयोग द्वारा इस पर रिपोर्ट मांगने के बाद, इस मामले में 17 दिसंबर रात को कासारवड़ौली पुलिस स्टेशन ने अश्वजीत गायकवाड़, सागर शेलके और रोमिल पांडे, इन तीनों को गिरफ्तार किया। 18 दिसंबर को इन तीनों को कासारवड़ौली से संबंधित JMFC धुमाल मैडम के कोर्ट में खड़ा किया गया। जज धुमाल के सामने इस मामले में जिरह और बहस हुई तो कोर्ट ने देखा कि सभी धाराएं अवेलेबल है, जमानती धाराएं हैं, इसलिए पुलिस की रिमांड की जो अर्जी थी वो खारिज कर दी और बाद में इनके वकील द्वारा जो जमानत की अर्जी दी गई उस पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने इन तीनों को 15,000 की जमानत पर रिहा करने का आदेश। बहरहाल इसमें 2 दिन पहले ही मीडिया में हाय तोबा मचने के बाद थाने पुलिस आयुक्त जयजीत सिंह और Zone 5 के DCP इन्होंने एक SIT बनाई थी जो इस पूरे मामले की जांच करने वाली। अब आरोपी पकड़े भी गए, एक रात हवालात में रहे, दूसरे दिन कोर्ट से जमानत भी मिल गई, तो अब ये थाने पुलिस की SIT क्या करे, किस तरह की जांच करेगी, क्यों कर ये SIT बनाई गई, ये सारा ड्रामा क्यों किया गया, क्या इससे थाने पुलिस हासिल करना चाह रही, ये एक सबसे बड़ा सवाल उभरता है। वही सबसे बड़ी बात कि उद्देश्य के तहत, एक मकसद के तहत कार द्वारा धक्का मार करके कुचलना, क्या यह हत्या के प्रयास के श्रेणी में नहीं आता, उस कैटेगरी में, उस क्लासिफिकेशन में नहीं आता। शुरू से प्रिया सिंह इसमें हत्या के प्रयास का मामला दर्ज करने की, यानी भारतीय दंड संहिता की धारा 307 लगाने की मांग कर, मगर ये मांग पूरी नहीं हुई, SIT बन गई लेकिन धारा नहीं बढ़ी। उन्हीं हल्की धाराओं के तहत 279, 323, 504, 338 और 34, इन धाराओं के तहत ही मामला रखते हुए अश्वजीत गायकवाड़, रोमिल पाटिल, सागर शेल के आदि को कोर्ट में पेश किया गया, जहां पर वो महज 1 घंटे में जमानत पर छूटे। जमानत पर कैसे छूटे, क्या कोर्ट प्रोसीडिंग रही, उस पर आरोपियों के वकील जो है राजन सालूंके, इन्होंने क्या जानकारी दी मीडिया को, वो हम आपको बताएंगे। और SIT बनाने के, थाने पुलिस के इतने बड़े कारनामे के बाद भी, आरोपियों के जमानत पर रिहाई के बाद क्या कह रही है पीड़िता प्रिया सिंह, वो भी हम आपको बताएंगे। आज कोर्टामध्ये येऊन आले होते, दुपारी त्याची सुनावणी झाली आणि सुनावणीनंतर कोर्टाने म्हणजे पोलिसांनी 5 दिवसांची पोलीस कस्टडीची मागणी केली होती, परंतु गुन्ह्याचं स्वरूप बघता आणि ते जामीनपात्र गुन्हे निदर्शनाला आल्यानंतर कोर्टाने तो अर्ज नामंजूर केला, पोलीस कस्टडी केलेली नाही, जेल कस्टडी। त्याच्यानंतर आम्ही जामीनाचा अर्ज दाखल केला, त्याची सुनावणी झाली, त्या सुनावणीकरता त्या तक्रारदारातर्फे मार्फत पण एक ॲडव्होकेट होते बाबासाहेब सिनियर ॲडव्होकेट, त्यांनी बाजू, आम्ही आमच्या लोकांकरता बाजू मांडली आणि त्याचं संपूर्ण सुनावणी होऊन आज त्याला 15,000 जामिनावरती मुक्त करायला, काय अटी शर्ती देण्यात आली कशाप्रकारे, पोलिसांना सहकार्य करायचं आहे, कधी गरज लागेल त्यावेळेस हजर राहायचं,
सर काय एकंदर वाद होता आणि ते आरोप केले होते प्रिया सिंगने काय एकंदर तो वाद समोर झाला होता आणि आरोप म्हणून केले की गाडी मला शेअरण्याचा प्रयत्न केला मारायचा दोन आणि तुमच्या वकिलांनी देखील सांगितलं तुमचे 7/73 हे कदम लावणं गरजेचं मात्र पोलिसांनी हे कदम लावलेलं आहे कुठे पुढे जाऊन उच्च न्यायालयात धाव घेणार असं दबावाखाली दबावाखाली काम करतो तुम्ही कसं देतो सर्वप्रथम तुम्ही एक विनंती राहील की तो गुन्हा आत्ता तपासाधीन आहे आणि जो गुन्हा तपासाधीन आहे तपास ज्याचा चालू आहे इन्व्हेस्टिगेशन चालू आहे अशा गोष्टींवरती फार भाष्य करणं योग्य ठरणार नाही. नो डाऊट त्यांनी त्यांची जी काही त्यांना बाजू मांडायची ती मांडलेली होती. आम्ही आमच्या बाजूने सांगितलेलं आहे की त्यावेळेस मुख्य जे तुम्ही सत्यजित बद्दल जे विचारता तो त्या गाडीमध्ये हजर नव्हता त्याच्यामुळे तिथे ती जाणीवपूर्वक मारणे किंवा असा काही विषय नाही. ही केस ॲक्सिडेंटल आहे असं आमचं म्हणणं होतं. आज 6 ते 7 दिवस त्या संदर्भातला तपास झाला आहे. पुढील तपास चालू आहे. तर माझी तुम्हाला सगळ्यांना विनंती राहील की मीडिया ट्रायलसारखा याचा वापर नको व्हायला. हे प्रकरण संवेदनशील आहे आणि याचं वार्तांकन करत असताना ती तक्रारदार महिला आहे अशा परिस्थितीमध्ये कुठलेही आक्षेपारक फोटो किंवा बातम्या देत असताना इतर कुठल्या गोष्टी आपण करू नये. तपास चालू आहे त्याचा. आम्ही आमचे ते वरती केलेले ते सगळे आरोप नाकारले. सगळ्या गोष्टी मांडल्या होत्या त्यामुळे दखल घेणे आता त्यामुळे सामान्य तुला तिची बाजू मांडू देत बंदा प्रत्येकाची बाजू मांडण्याचा अधिकार राहील. फक्त हे प्रकरण संवेदनशील आहे त्यामुळे माझी आपल्या सगळ्यांना विनंती राहील की आत्ता तपास चालू आहे. तिला तिची बाजू मांडण्याची पूर्ण संधी तपासात अधिकाऱ्यांकडून मिळेल. आम्हाला आमची बाजू जी काय आहे ती देखील आम्ही तपासा. महिलेने का डिमांड केला होता का आमच्याकडनं यासंदर्भात वाद झाला होता? नाही असं काही विषय नाही. मीडिया ट्रायल करू नका. कुठली मागणी कल पुलिस वाले आए थे कुछ दो मेरे पास रात में. वो जबरदस्ती कुछ मुझसे साइन करवाने की कोशिश कर रहे थे. मैंने उनको मना किया बिकॉज मेरे पास लॉयर नहीं थी और मैं अकेली थी तो मेरे फैमिली मेंबर में से भी कोई नहीं था. बट देवर ट्राइंग टू पुश मी कि करो कल जो होगा देख लेना. फिर सीनियर ऑफिसर से भी बात हुई. फोन करवाया मैंने कहा सर मैं नहीं करूंगी अभी कुछ भी साइन. आप कल आइए मेरी फैमिली मेंबर होंगे तभी मैं करूंगी. वो बोल रहे अभी तो कर ले बेटा मैं कल आता हूँ. कुछ नहीं है तेरे सेफ्टी के लिए. मैंने नहीं किया तो दे गॉट एंग्री एंड दे लेफ्ट. रात में आए थे जी? हाँ जी 10:30 के बाद. क्या किसी का दबाव बनाया जा रहा है आपके ऊपर? सर मुझे नहीं पता. इनडायरेक्टली बहुत सारी चीजें हैं. मैं सिर्फ चाहती हूँ मांग मीडिया और सबसे कि 307 लगाया जाए. 307 की मांग मैं एक हफ्ते से कर रही हूँ. इट्स बीन ऑलमोस्ट अ वीक बट 307 नहीं लगाया गया है. उस पर मेरे ऊपर गलत गलत एलिगेशन डाल रहे हैं जस्ट बिकॉज उनके पास कुछ भी नहीं है अभी डालने के लिए. आरोपी कि आप जो है सेटलमेंट के सर वो मराठी में लिखा था मुझे नहीं समझ में आ रहा था. बताया था उसमें लेकिन उन्होंने मुझे कहा कि आपकी सेफ्टी के लिए है कि आपको कोई धमकी अनॉल नहीं दे रहा है. मैंने बोला कि नहीं मुझे डायरेक्टली कुछ नहीं आया है क्योंकि मैं किसी से मिल नहीं रही हूँ. बट इनडायरेक्टली लोग बोल रहे हैं कि दे आर वेरी वेल कनेक्टेड ये वो करके कुछ मतलब नहीं है. एक्सीडेंट प्रूफ कर रहे थे क्योंकि मेरी इवन मेरी वो जो लेडी कांस्टेबल पुलिस वाली थी उनसे मेरी बहस भी हुई है. उन्होंने बोला एक्सीडेंट हुआ है. मैंने बोला दिस इज नॉट एक्सीडेंट. आप देख रहे हो एक्सीडेंट होता तो इतनी मीडिया और ये सब चीजें नहीं होती. 7 दिन से मैं एक ही चीज झेल रही हूँ. तो उनसे मेरा आर्ग्यूमेंट हुआ था. मांग कर रहे हैं आप प्रिया? सर मैं सबसे पहले 307 लगवाई है उसके बाद मुझे पुलिस से आई एम नॉट हैप्पी. आई एम नॉट सेटिस्फाइड. मतलब सर मेरी तबियत खराब है. सरकार की तरफ से या कोई मुलाजिम कोई आई बिलीव मैं अपने प्रधानमंत्री और सीएम पे बहुत बिलीव करती हूँ और मीडिया पे भी बिलीव करती हूँ. सर बस जस्टिस चाहती हूँ मैं. और प्लीज मेरे बारे में गलत गलत एलिगेशन मत लगाइए. मीडिया को भी मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ क्योंकि इट इज इफेक्टिंग मी मेंटली. अभी फिलहाल आई एम द ओनली वन हु स्टैंडिंग फॉर माई सेल्फ. मेरे को बहुत मेंटली प्रॉब्लम हो रही है. फिजिकली तो आप लोग देख ही रहे हो 7 दिन हो गया है. कोई एक्शन नहीं है कुछ नहीं है. आई वर्क एज अ फैशन ब्यूटी इन्फ्लुएंसर एज अ मॉडल. मेरे लिए मेरा करियर जा चुका है.
तो प्लीज उस चीज को थोड़ा सपोर्ट करिए रेदर देन पुटिंग रॉन्ग एलिगेशन एंड ऑल, बिकॉज मेरे पास भी बहुत सुजीत ने पुलिस को यहाँ बताया कि प्रिया सिंह स्टॉप सर, ऐसा कुछ नहीं है सर, ऐसा कुछ नहीं, वो सब मेरे पास भी देने के लिए बहुत कुछ है, धीरे धीरे देंगे हम, धीरे धीरे देंगे हॉस्पिटल सर, MRI के लिए ले जा रहा है मुझे, क्योंकि मेरे बैग में भी इंजरी है काफी।